मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी में कितने बड़े पैमाने पर होता है अवैध रेती उत्खनन, देखिए इस वीडियो में। जिलेटिन बरामद वाली कार्रवाई के छापे के दौरान बना था ये लाइव वीडियो। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 दिन पहले मुंब्रा के रेती बंदर खाड़ी परिसर में थाने जिलाधिकारी कार्यालय और थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच ऐसी संयुक्त एक कार्रवाई की गई थी स्थानीय भूमिपुत्र तथा समाज सेवकों की लगातार शिकायतों के बाद। तो इस कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ वो पहली खबर में हमने आपको बताया। 17 जिलेटिन की छड़े, डिटोनेटर का बरामद होना, जो कि इस मामले की गंभीरता को बेहद बढ़ा देता है। अवैध रेती उत्खनन तो अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल होने वाला ये विस्फोट किसी भी बड़े हादसे को या किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। उसी दिन यहाँ के जो भूमिपुत्र और शिकायतकर्ता समाज सेवक के अनिल भगत, इन्होंने एक छोटा सा लाइव वीडियो बनाया था इसका फेसबुक पर। हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, देखिए अंदर कितने सक्शन पंप के साथ बार्जेस और बोट वगैरह सब खड़ी है, अलग अलग पड़ावों की तरह। कितने बड़े पैमाने पर यहाँ अवैध रेती उत्खनन होता है, सरकार को करोड़ों का राजस्व का घाटा होता है, साथ ही प्रकृति का नुकसान होता है, मैनग्रोव की कटाई होती है। खाड़ी के अंदर विस्फोट होने से जीव जंतु, जो जितने जलचर प्राणी है, वो सभी इसकी जद में आकर के अपनी जान गंवाते हैं, और साथ ही रेलवे के ब्रिज और रेलवे के ट्रैक को लगातार इससे नुकसान पहुंचता है। तो ये एक अड्डा है बहुत बड़ा, जो रेती बंदर के किसी भी किनारे पर आप खड़े रहेंगे और सामने की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल अथाह जो खाड़ी दिखती है और उसके अंदर बीच बीच में जहां जहां भी आपको झाड़ियां दिखती है उनके बीच बीच ये पड़ाव बने हुए हैं। यहां आपको बता दें कि उस दिन जिलाधिकारी कार्यालय और पुलिस की टीम को वहां तक ले जाने के लिए बोट का भी इंतजाम समाज सेवी अनिल भगत ने ही किया था। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध रेती उत्खनन इन रेती माफियाओं द्वारा किया जा रहा है। सबसे अहम और गंभीर बात इस पूरे मामले में ऐसी है कि मुंब्रा में रेती बंदर में अवैध रेती उत्खनन के लिए जिलेटिन आ रहा है, डिटोनेटर आ रहा है, और स्थानीय पुलिस इससे बेखबर है। तो थाने पुलिस को, राज्य के गृह मंत्रालय को इस मामले को गंभीरता से लेना होगा और इस मामले में पूरी जांच करवा करके जो भी इस लापरवाही के जिम्मेदार है अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय के हो, चाहे पुलिस विभाग कार्यालय के हो, या मेरीटाइम बोर्ड के हो, उन सब पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। Oh, yeah.